बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज मियां आबिद अली। बात करेंगे पांच किंगडम्स की। रॉबर्ट व्हिटेकर ने जो पांच किंगडम बनाए, जानदारों को पांच ग्रुप्स में तकसीम किया। वन बाय वन उनको डिटेल से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास किंगडम मुनीरा, सेकंड है किंगडम प्रोटिस्टा, थर्ड किंगडम है किंगडम फंजाई, चौथा किंगडम प्लांटी और पांचवा है किंगडम एनवेलिया। बात करेंगे किंगडम मुनीरा की। किंगडम मुनीरा का दूसरा नाम प्रोकैरियोट्स है। किंगडम मुनीरा के अंदर जो जानदार रखे गए वो प्रोकैरियोट्स कहलाते हैं, क्योंकि वो प्रोकैरियोटिक सेल्स के बने होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल ऐसा सेल होता है जिसमें वादे या न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। कहते हैं इस किंगडम में मौजूद जानदार प्रोकैरियोटिक सेल्स के बने होते हैं। मुनीरन्स यूनिसेलुलर होते हैं। इस ग्रुप में रखे वाले किंगडम मुनीरा में जो जानदार हैं उन्हें मुनीरन्स बोलते हैं। कहते हैं मुनीरन्स यूनिसेलुलर होते हैं, मगर इसकी कुछ इकसाम हैं जो कॉलोनिया, गुच्छे और जंजीर वगैरह बना के रहते हैं। जंजीर चेन लाइक एक के साथ एक जुड़ के रोड लाइक स्ट्रक्चर की फॉर्म में ये रहते हैं। रोड्स हैं और बेसिलाई हैं, बैक्टीरिया की टाइप्स हैं, कोकाए हैं जो घोल होते हैं। तो जो कोकाए हैं बैक्टीरिया की एक टाइप है, वो जिस तरह अंगूरों के गुच्छे होते हैं बिल्कुल इस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। और कुछ बैक्टीरिया कॉलोनी की फॉर्म में रहते हैं और कुछ बैक्टीरिया जंजीरों की फॉर्म में रहते हैं। कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल यूकैरियोटिक सेल से ये अक्सर मुख्तलिफ होते हैं, टोटली वो सेपरेट होते हैं। प्रोकैरियोट्स की ज्यादातर जो है वो हेटरोट्रॉफ होते हैं, खुराक अपनी खुद तैयार नहीं कर सकते, मगर बैक्टीरिया की कुछ इकसाम ऐसी है जो अपनी खुराक खुद तैयार कर सकती है, जैसे साइनोबैक्टीरिया। इनके साइटोप्लाज्म के अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास किंगडम प्रोटिस्टा। इस किंगडम के अंदर मौजूद जानदारों को प्रोटिस्टिस कहते हैं। इनमें जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का लेवल है इस किंगडम के अंदर यूकैरियोटिक, यूनिसेलुलर और सादा मल्टी सेलुलर जानदार रखे गए हैं। सबसे पहले एलजी की बात करें, कहता है एलजी यूनिसेलुलर कॉलोनियल या सादा मल्टी सेलुलर होते हैं। सादा मल्टी सेलुलर से मुराद ऐसे जानदार है जिनमें मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन यानी जिंसी अदा नहीं पाए जाते। जिंसी अदा नहीं पाए जाते, सेक्स ऑर्गन नहीं पाए जाते, तो उनके जिंसी सेल सेक्स सेल भी नहीं होंगे और अपने लाइफ साइकिल में वो एम्ब्रियो भी नहीं बनाएंगे, इसलिए उनको सादा मल्टी सेलुलर जानदार कहा जाता है। है तो मिलियन दो सेल्स से मिलके बने हुए हैं, मगर उनके अंदर जो मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन है वो नहीं पाए जाते और अपने लाइफ साइकिल में वो एम्ब्रियो भी नहीं बनाते। कहते हैं पौधों से मुशाबे हैं, कुछ प्रोटिस्टिस पौधों से मिलते जुलते हैं। क्यों मिलते जुलते हैं? एक तो उनके अंदर सेल वॉल पाई जाती है, दूसरा उनके क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल मौजूद होता है। और प्रोटोजोन्स की बात करता है, कहता है कुछ प्रोटिस्टिस कहता है कि प्रोटोजोन देंगे जानवरों से मुशाबे होते हैं। जानवरों से मुशाबे होने का मतलब है कि इनके सेल वॉल में सेल वॉल नहीं पाई जाती और ये अपनी जो खुराक है वो खुद तैयार नहीं करते। और कुछ प्रोटिस्टिस है वो फंजाई की तरह के होते हैं। थर्ड किंगडम है हमारा किंगडम फंजाई। इस किंगडम के अंदर यूकैरियोटिक मल्टी सेलुलर हेटरोट्रॉफ्स रखे गए, मतलब ऐसे जानदार जो यूकैरियोटिक सेल के बने होते हैं जिनके अंदर वादे या न्यूक्लियस पाया जाता है, मल्टी सेलुलर होते हैं और हेटरोट्रॉफ्स होते हैं, मतलब अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते। कहते हैं ये जानदार खुराक अपनी तैयार नहीं कर सकते। खुम्बिया इनकी आम मिसाल है। ये खुराक जजब करके जिसम में ले जाती है। होता क्या है, ये जो फंजाई होते हैं ये नामियाती मादों के ऊपर, ऑर्गेनिक मादों के ऊपर नशीनुमा पाते हैं, उन मादों के ऊपर अपने एंजाइम्स खारिज करते हैं। वो एंजाइम्स क्या करते हैं, पेचीदा मालिक्यूल को सादा मालिक्यूल में तब्दील करते हैं। उन सादा मालिक्यूल को अपनी मेम्ब्रेन के जरिए एब्जॉर्ब करके ये अपने जिस्म के अंदर ले जाते हैं। तो फंजाई अब हेटरोट्रॉफ्स हैं, अपनी खुराक खुद तैयार नहीं करते, खुराक को जजब करके जिस्म में ले जाते हैं। ये जो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस के ऊपर, नामियाती मादों के ऊपर नशीनुमा वाक्य जो एंजाइम्स खारिज करते हैं, एंजाइम खारिज करने का एक पर्पज होता है, एक मकसद होता है कि उन एंजाइम्स को खारिज करने का मकसद होता है कि जो खुराक के पेचीदा मालिक्यूल है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस है, वो सेल मेम्ब्रेन में से गुजर नहीं सकते। तो उनको पेचीदा मालिक्यूल को सादा मालिक्यूल में तब्दील करते हैं ताकि वो इजीली सेल मेम्ब्रेन से एब्जॉर्ब होकर इनके जिस्म में जा सके। नेक्स्ट है हमारे पास किंगडम प्लांटी। नाम से जाहिर है किंगडम के अंदर पौधे रखे गए हैं। इस किंगडम के अंदर यूकैरियोटिक मल्टी सेलुलर ऑटोट्रॉफ शामिल है, मतलब ये इस किंगडम के अंदर जो जानदार रखे गए हैं वो यूकैरियोटिक सेल के बने होते हैं जिनके अंदर वादे या न्यूक्लियस होता है, और साथ ही साथ ये ऑटोट्रॉफ है, अपनी खुराक खुद तैयार कर सकते हैं और मल्टी सेलुलर है। मल्टी सेलुलर का मतलब है कि इनके अंदर मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन्स पाए जाते हैं
और ये अपने लाइफ साइकिल में एम्ब्रियो भी बनाते हैं। एम्ब्रियो क्या होता है, नर और मादा के जिंसी सेल के मिलाप से सबसे पहले जो सिंगल सेल बनता है उसको जायगोट बोलते हैं, और जब जायगोट तकसीम होना शुरू हो जाता है, एक सेल होता है, एक से दो, दो से चार, चार से आठ, इस तरह खरबों सेल बनते हैं, तो नशुनुमा पाता जायगोट एम्ब्रियो कहलाते हैं। तो इनकी लाइफ साइकिल के अंदर एम्ब्रियो बनते हैं और इनके अंदर मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन पाए जाते हैं। पौधों के तीन बड़े ग्रुप्स हैं जिनमें मोस्टली है, फंग है और फूलदार पौधे। नेक्स्ट है हमारे पास किंगडम एनिमेलिया। किंगडम एनिमेलिया नाम से जाहिर है एनिमल्स को रखा गया है। इस किंगडम के अंदर यूकैरियोटिक जानदार हैं, ऐसे जानदार जो यूकैरियोटिक सेल के बने होते हैं। यूकैरियोटिक सेल ऐसा सेल है जिसमें वादिया न्यूक्लियस होता है और ये मल्टी सेलुलर होते हैं और हेटरोट्रॉफ्स होते हैं, मतलब ये अपनी खुराक को तैयार नहीं कर सकते। कहते हैं ये जानदार एक जगह से दूसरी जगह हरकत कर सकते हैं। बायोलॉजिस्ट का मानना है किंगडम प्रोटिस्टा का इर्तका किंगडम मोनेरा से हुआ है और बाकी जो किंगडम्स है फंजाई है प्लांटी और एनिमेलिया इसका जो इर्तका है वो किंगडम प्रोटिस्टा से हुआ। एक डायग्राम में दिखाया गया है किंगडम मोनेरा ने किंगडम प्रोटिस्टा बनाया और किंगडम प्रोटिस्टा से किंगडम प्लांटी फंजाई और एनिमेलिया बने। ये हमारे पास एक पांच किंगडम की समरी है टेबल के अंदर बताया गया है। इसको याद करना बहुत ही ज्यादा आसान है। सबसे पहले जो ग्रुप्स हैं किंगडम है हमको सीक्वेंस याद कर रहे हो मुनीरा प्रोटिस्टा फंजाई प्लांटी एनिमेलिया। जो किंगडम मुनीरा के अंदर जानदार है वो प्रोकैरियोटिक के बने हुए हैं और बाकी सारे के सारे यूकैरियोटिक के बने हुए हैं। जो सेल वॉल है वो सारे के सारे जानदारों में पाई जाती है, मगर जो है हमारे पास एनिमेलिया उनके अंदर जो जानवर पाए जाते हैं उनके अंदर सेल वॉल नहीं पाई जाती। और उसके अलावा सेल की टाइप है बैक्टीरिया, चूंकि प्रोकैरियोटिक है वादिया न्यूक्लियस नहीं होता तो उनके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं होगी। बाकी चारों जो है प्रोटिस्टा फंजाई प्लांटियो एनिमेलिया यूकैरियोटिक सेल के बने हैं। यूकैरियोटिक का मतलब है उनके अंदर वादिया न्यूक्लियस पाया जाता है, अगर न्यूक्लियस पाया जाता है तो उनके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होती है। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मुनीरा के अंदर नहीं पाई जाती, बाकी सब में पाई जाती है। सेल वॉल की बात करें तो सेल वॉल सारे किंगडम्स के अंदर प्रेजेंट है, सिर्फ किंगडम एनिमेलिया के अंदर प्रेजेंट नहीं है। इनकी कंपोजिशन देख लेनी है, मुनीरा के जो सेल वॉल है बैक्टीरिया की वो पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी होती है जो अमाइनो एसिड का और शुगर का एक कॉम्बिनेशन है। उसके अलावा प्रोटिस्ट है और फंजाई की सेल वॉल काइटिन की बनी होती है, पौधों में सेलुलोज की बनी होती है और एनिमेलिया के अंदर ये प्रेजेंट नहीं होती। मोड ऑफ म्यूटेशन की बात करें तो जो किंगडम मुनीरा है वो ऑटोट्रॉफ भी होते हैं, हेटरोट्रॉफ भी होते हैं। जो प्रोटिस्टिस है वो भी ऑटोट्रॉफ भी होते हैं और हेटरोट्रॉफ भी होते हैं। फंजाई प्योरली हेटरोट्रॉफ्स हैं, प्लांटी प्योरली ऑटोट्रॉफ्स हैं और एनिमेलिया प्योरली हेटरोट्रॉफ्स हैं। मल्टी सेलुलरिटी की बात करें तो किंगडम मुनीरा यूनिसेलुलर है, एक सेल तो ऊपर मुश्किल है, और जो किंगडम प्रोटिस्ट है वो यूनिसेलुलर है, सिंपल मल्टी सेलुलर है। उसके अलावा फंजाई है प्लांटी और एनिमेलिया ये मल्टी सेलुलर है। नेक्स्ट है हमारे पास वायरसेस का मुकाम। जितने भी जानदार हैं बायोलॉजिस्ट ने उनको पांच किंगडम के अंदर तकसीम किया, मगर वायरसेस को किसी भी किंगडम में शामिल नहीं किया गया। इसकी वजह क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, वायरसेस का मुकाम क्या है और वायरसेस को पांच किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में शामिल क्यों नहीं किया गया। कहता है वायरसेस जानदार और बेजान के दरमियान ख्याल किए जाते हैं। क्रिस्टल बन जाने की वजह से इन्हें बेजान ख्याल किया जाता है, एक शेप के अंदर आ जाते हैं तो सालों साल उसी शेप के अंदर रहते हैं। वायरसेस के अंदर कोई सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं पाई जाती, ना ये यूनिसेलुलर होते हैं, ना ये मल्टी सेलुलर होते हैं, ना ये क्लोनी बनाते हैं। कहते हैं वायरसेस ए सेलुलर होते हैं, मतलब सेल्स के नहीं बने होते। वायरसेस में आरएनए और डीएनए मौजूद होता है, ये जानदारों की खसूसियत है। गैर जानदारों की खसूसियत क्या है कि इनके अंदर सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं पाई जाती और ये क्रिस्टल बन जाने की वजह से इन्हें बेजान ख्याल किया जाता है। जानदारों वाली इनके अंदर खासियत क्या है कि इनके अंदर डीएनए या आरएनए पाया जाता है जो प्रोटीन के गिलाफ में लिपटा हुआ होता है। साथ ही साथ ये जिंदा जानदारों के सेल्स के अंदर जिंदा सेल्स के अंदर जाके तुलीन करते हैं, अपनी तादाद को बढ़ाते हैं। तो ये सेल्स के बाहर ग्रो नहीं कर सकते, इनको होस्ट की जरूरत होती है, सेल की जरूरत होती है जानदारों के जिस्म में जाके उधर ही अपनी तादाद बढ़ाते हैं जहाँ ये मुख्तलिफ बीमारियां भी पैदा करते हैं। क्योंकि वायरसेस को जानदार ख्याल नहीं किया जाता इसलिए इन्हें पांच किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में शामिल नहीं किया गया। प्रायोन्स और वायरॉइड्स वायरसेस की टाइप है। प्रायोन्स प्रोटीन के बने होते हैं और वायरॉइड्स आरएनए के बने होते हैं और दोनों क्या करते हैं, दोनों में बीमारियां।